मुझे भी क्योंकि मैं आई इसमें ही पीता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी, मलेशिया का मौसम ऐसा है कि कभी कभी बादल बने होते हैं और आपको लगता है कि अभी बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं आती। और कभी कभी धूप लगी होती है बिल्कुल और आपको लगता है कि बारिश का कुछ चांस नहीं है, तो अचानक से बारिश आ जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह बारिश हो रही है तो दूसरी जगह बारिश नहीं हो रही होती। तो आज कुछ ऐसे सीन हुआ, मैंने काफ़ी देर पहले निकलना था व्लॉग के लिए, तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा बादल बने हुए हैं, तो मैं निकलना नहीं। मैंने कहा यार अभी बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ जाएगी, फ़ायदा नहीं है बाहर निकलने का। तो नहीं आई हुई बारिश और फिर मैं निकला, तो अभी मैं बुकिंग आया हूँ और मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े, जहाँ पे मैं पहले भी आया हूँ, तो वहाँ पे एक बर्गर है, बीफ बर्गर जो ब्लैक बन में आता है, तो वो मैं पहले खा लूँ, काफ़ी भूख लगी हुई है। और फिर उसके बाद हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, पहले पेट पूरा कर लें फिर कम Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. तो जी, बर्गर मेरा रेडी हो गया। और पहले मैं आपको बर्गर का थोड़ा सा दिखा दूं, ये कैसा, ये ब्लैक बन है जो जिसमें कलमंजी रहती है, जिसको चारकोल बन कहते हैं। इसके ऊपर सैलड और फिर ये बीफ की पैटी, चीज़, और उसके ऊपर ये मशरूम, ये मशरूम चीज़, और फिर उसके ऊपर एग, और उसके साथ ये उसका कवर जिसके ऊपर मायो, किमची मायो। किमची एक बड़ी फेमस कहने के हेल्थी वेची जो खाई जाती है साउथ कोरिया में, और उसके साथ जो फ्राइज़, ट्रफल फ्राइज़। और मैं तीन तरह के सॉस खाता हूँ हमेशा, मायोनीज, केचप और चिली सॉस, और इसके साथ कॉफ़ी। तो पहले मैं ये बर्गर खाऊँगा सारा पेट भर के, फिर उसके बाद ब्लॉग शुरू करूँगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बर्गर दिखाऊँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, पहले मैं बहुत ज़्यादा खाता था, अभी काफ़ी देर बाद मैं ट्राई खाने लगा फिर से। इस तरह करके ये मेरा स्टाइल है, इस तरह तीन तरह के सॉस, फिर खासी बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं अभी आया था, जब मैं आज घर से निकल रहा था तो मुझे लग रहा था बारिश आएगी क्योंकि बादल बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने वेट किया तो तकरीबन कोई एक दो तीन घंटे बारिश नहीं हुई। तो मैं जब निकला हूँ वापस है यहाँ पे आके, चलो मैंने बर्गर खा के, जब मैं मेन पॉइंट पर आया जहाँ से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करना था, और बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर देख लें, लेकिन बारिश में बड़ा मज़ा आने वाला है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि जो माइक है ना, इसका इशू आ जाता है। मोबाइल तो वाटरप्रूफ है तो उसका कोई इशू नहीं है। तो चलें, अगर मुझे माइक उतारना पड़ा तो फिर हम माइक उतार के बारिश में व्लॉग बनाएंगे। चलें अभी चलते हैं और मज़ीद जगह जाके एक्सप्लोर करते हैं। बारिश तो नहीं रुकी अभी तक और मैंने माइक उतार दिया है, तो बाकी का व्लॉग विदाउट माइक बनेगा, लेकिन मेरे ख्याल से कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं होगा मोबाइल के माइक का। तो अभी मैं सिर्फ जा रहा हूँ और मैं सिर्फ बारिश में घूमूंगा, मुझे मज़ा आता है ऐसे घूमने में। ये जगह वैसे ये मैकडोनल्ड के सामने, यहाँ पे लाइव सिंगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई है
तो आज अब जब तक ये बारिश रुकेगी नहीं तब तक वो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये देखें, लेकिन ये जगह ऐसी है यहाँ पे बारिश हो ना हो यहाँ पे क्राउड आपको डेफिनेटली नज़र आएगा। कुछ लोग अम्ब्रेला लेके घूम रहे होंगे, कुछ ऐसे ही घूम रहे होंगे मेरी तरह। जब ट्रेन गुजरती ना तो बड़ा एक ज़बरदस्त सा व्यू आता है ट्रेन का, तो वो हमेशा मैं कैप्चर करता हूँ जब भी मैं गुजरूँ कहीं से भी। ये मैकडॉनल्ड है यहाँ पे, ये देखें ये सारी जगह यहाँ पे सिंगिंग वगैरह काफ़ी होती है, और वो पीछे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है। अभी बारिश है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी घूम रहे हैं। अभी मैं सिर्फ चलता हूँ, और मेरा तो वैसे प्लान था कि यहाँ पे एक शवारमा है वो ट्राई करने का, बड़ा अलग किस्म का, लेकिन मैं अभी बर्गर और कॉफ़ी लेके आया हूँ तो अभी मुझे कोई इस तरह की भूख नहीं है, लेकिन कहीं पे मुझे कोई डिज़र्ट अच्छा सा नज़र आया तो वो हम फूड ट्राई करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहीं खाने को कुछ अच्छा मिल जाए। जब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कितना कितना बड़ा शवारमा की, ये कितना कितना चिकन सेल होता है, ये देखें ये ऊपर से ले कर ये नीचे तक पानी कितने किलो के जी लगा हुआ है चिकन, और इसकी तरफ ये बीफ। और वैसे जो मैंने शवारमा खाना था वो इस जगह से नहीं था, वो दूसरी तरफ था, उस तरफ तो इससे भी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है, और इतना ही तकरीबन चिकन और बीफ वगैरह वो रोज़ाना लगाते हैं। तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा अरेबिक रेस्टोरेंट हैं और शवारमा, और इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो यहाँ पर आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा और हलाल मिल जाएगा, तो यहाँ पे खाने पीने का ये इशू नहीं होता। और आप अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई करना चाहते हैं ना तो ये जगह एक हेवन है, हेवन आपके लिए। से आप थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे एक जूतों का जंगल, और जिसमें ये मेरे यहाँ से कुछ सेकंड हैंड है, कुछ न्यू है, और सेकंड हैंड मतलब लंडा बाज़ार यहाँ का, और इस तरफ कपड़ों की दुकानें हैं, और आगे जाके फ्रूट्स वगैरह और खाने पीने की चीज़ें होंगी। तो आगे चलते हैं, ये पीछे एक अभी ट्रेन स्टेशन है, और इसके सामने ये अभी मैं इस जो ये छोटा सा बाजार लगा हुआ इसके मैं सेंटर में आ गया हूँ, और ये देखें हर तरफ, और ये बकलावा कि मैंने सुना है कि कोई रैपिड डिश है और बड़ी मज़े की होती है, लेकिन अभी मैं फील नहीं कर रहा कि मुझे ये खाना चाहिए। अभी काफ़ी हैवी हूँ मैं, क्योंकि वो बर्गर काफ़ी हैवी था और उसके साथ कॉफ़ी भी अच्छी थी। पहले मैकडॉनल्ड के उस तरफ था, अभी मैं उधर से इस तरफ गया और आगे से बाजार में घूमते तो मैं वापस जगह आया हूँ, और इस जगह से आपको बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू आता है पीछे से, अगर आप यहाँ पर आकर पिक्चर बनाना चाहते हैं वो बड़ी अच्छी है। और अभी बारिश भी काफ़ी कम हो गई है, और बहुत से लोग अभी विद अम्ब्रेला और विद अम्ब्रेला घूम रहे हैं, वो देखें पीछे। तो कुछ लोग इसलिए भी अम्ब्रेला लेते हैं कि यहाँ की जो बारिश है कहा जाता है कि अगर वो आपका सर गीला हो जाए तो आपको फीवर भी हो सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि कोई ड्रिंक ले लेनी चाहिए, क्योंकि मलेशिया का वेदर ऐसा है कि यहाँ बारिश हो रही हो कि ना हो रही हो, जब आप चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपकी बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होती है। तो जो फर्स्ट टिप जो मलेशिया में घूमने की है, कहीं भी हों कुछ भी कर रहे हों कुछ ना कुछ ज़रूर पीते रहें। तो यहाँ पर पीछे एक मैंगो शेक वगैरह है, तो यहाँ मैं एक मैंगो ड्रिंक लेता हूँ, एक मैंगो जूस लिया है, इसमें मैंने कहा मुझे आइस नहीं चाहिए क्योंकि मैं आइस नहीं पीता गला खराब होता अक्सर, लेकिन थोड़ी सी आइस पी भी चली गई है। ये मेरा मैंगो जूस, ये देखें कितनी लंबी सी बॉटल है, काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ये देखें मेरे मुँह से लंबा, और इसके ऊपर ये ऊपर ये देखें ये मैंगो भी डालते हैं स्लाइस थोड़ी सी, और ये असल में मैंगो को ब्लेंड किया जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना ये मीठा है इतना मीठा ये वैसे होते नहीं यहाँ के मैंगो, यहाँ इतने मीठे सिर्फ पाकिस्तान के हो सकते हैं, तो शायद इन्होंने बीच में कुछ शुगर भी मिलाई हो। इस तरफ से मैं अभी इस तरफ आया हूँ, ये जैसे अगर मैंने पहले भी आके व्लॉग बनाया हुआ है, तो ये यहाँ की फूड स्ट्रीट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत फेमस, और अभी बारिश फिर से तेज़ हो गई है इसलिए लोग अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं, और अक्सर जब आप देखेंगे तो
जितने लोकल लोग होंगे उन्होंने अम्ब्रेला ली होगी, जो फॉरेनर होंगे वो अम्ब्रेला के बगैर घूम रहे होंगे। हाँ तो अभी मैं वापस पवेलियन की तरफ जा रहा हूँ, फूड स्ट्रीट से मैं वापस आ गया हूँ। वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैं असल में ब्लॉग के लिए नहीं था या मैं आया था वॉक ओवर की वीडियो के लिए, फिर मैंने कहा साथ जो मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना दूँगा, तो मैं हूँ भी अकेला। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से वापस चलूँ पवेलियन की तरफ, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद वापस चले जाएँगे। जब मैं वापस इस जगह आया तो इस जगह ये थोड़ी सी कवर है, इसको लॉटन कहते हैं। और कुछ यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, और ये क्योंकि एक मॉल के अंदर भी जाती है। और इस जगह पे आप बारिश नहीं आ रही, ये ऊपर से कवर है, तो अभी सारे लोग तकरीबन इस तरफ आ गए हैं बारिश से बचने के लिए। और मैं भी अभी इस तरफ से गुजर के आगे जाऊँगा, वहाँ पे आके कुछ एक्टिविटीज़ हो रही ही थी मैं जब आया था, मैंने देखी थी, तो देखते हैं कि अभी भी वो हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे तो उन्होंने कवर वगैरह किया हुआ प्लास्टिक के साथ, लेकिन लेट्स सी के क्या उन्होंने उनको वाइंड अप तो नहीं कर दिया। जी मैं इस जगह आ गया हूँ और अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है। और यहाँ पे वो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी जो अभी मेरे हाथ से उन्होंने बंद कर दी हैं बारिश की वजह से, ये उनका क्रू बैठा हुआ है। तो जी अभी मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा, बारिश हो रही है क्योंकि मैंने एक दो से कॉल की थी लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं है, और बारिश भी हो रही है मुसलसल। तो चलें, ये अनप्लान्ड ब्लॉग था, उम्मीद है फिर भी आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।